हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कभी LHP में डीमेट अकाउंट है और आप अपना जो वॉलेट का पैसा है उसे विड्रॉ करना चाहते हो अपने बैंक अकाउंट पे, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरा स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ कैसे आप अपना जो LHP का अकाउंट का पैसा है उसे अपने बैंक अकाउंट पर विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ मैं अपने LHP ऐप में लॉगिन हो गया हूँ। लॉगिन होने के बाद यहाँ नीचे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलता है। यहाँ आपको अकाउंट का जो ऑप्शन है लास्ट का, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ फंड्स पे क्लिक करेंगे। फंड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके अकाउंट पे जितना भी बैलेंस होगा वो यहाँ पे शो करेगा। मेरे LHP वॉलेट पे अभी 4,530 रुपये है, जिसे मैं आपके सामने विड्रॉ करके दिखाऊंगा अपने बैंक अकाउंट पे। तो यहाँ नीचे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, एक है डिपॉजिट और एक है विड्रॉ। तो डिपॉजिट पे क्लिक करके आप अपने वॉलेट पे पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं, और विड्रॉ पे क्लिक करके आप अपना जो वॉलेट का पैसा है उसे अपने बैंक अकाउंट पे विड्रॉ कर पाएंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, आपको चेक कर लेना है आपका कौन सा बैंक अकाउंट आपके LHP अकाउंट पे रजिस्टर्ड है। तो मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे आप चेक करेंगे। तो यहाँ से बैंक जाएंगे, यहाँ फंड्स के ऊपर आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर शो करता है और यहाँ ऊपर आपका कौन सा बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक का नाम यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट लिंक है और यहाँ नीचे अकाउंट नंबर आप देख सकते हैं, लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे शो करेगा। इससे आपको पता लगाना है कि आपका कौन सा अकाउंट लिंक है। तो यहाँ से मैं बैंक जाता हूँ और यहाँ फंड्स पे क्लिक करेंगे फिर से, और इसके बाद यहाँ नीचे विड्रॉ पे क्लिक करेंगे विड्रॉ करने के लिए। इसके बाद यहाँ विड्रॉ पेज निकल कर आएगा। यहाँ आपको कितना पैसा विड्रॉ करना है वो अमाउंट यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे फुल पैसा अपना विड्रॉ करना चाहता हूँ जो भी वॉलेट पे है, तो मैं यहाँ पे 4,530 रुपये ही टाइप करूँगा। और इसके नीचे आपका बैंक अकाउंट शो करेगा, जो भी आपका अकाउंट लिंक होगा LHP में वो अकाउंट यहाँ पे शो करेगा। दो तीन अकाउंट अगर लिंक करके रखे हो तो आप अपने मुताबिक कोई सा भी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे यहाँ पे एक ही अकाउंट लिंक है। और इसके नीचे है चूज रीजन, मतलब आपको ये जो पैसा है क्यों विड्रॉ करना है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप पर्सनल नीड को ही सिलेक्ट करके रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ नीचे पे आउट टाइमिंग्स के बारे में कुछ बताया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इफ़ द पे आउट रिक्वेस्ट इज डन बिफोर 7 AM द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट ऑन दिस सेम वर्किंग डे। इसका मतलब यह है कि फ्रेंड्स, अगर आप सुबह 7 बजे से पहले अपना जो पैसा है उसे आप विड्रॉ करते हैं तो आपका जो पैसा होगा वो उसी दिन आपके बैंक अकाउंट पे क्रेडिट होगा। लेकिन अगर आप सुबह 7 बजे के बाद अपना जो पैसा है उसे विड्रॉ करते हो तो आपका जो पैसा है वो नेक्स्ट डे को आपके अकाउंट पे क्रेडिट होगा, मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे को। तो वर्किंग डेज में कौन कौन सा दिन नहीं आता है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सैटरडे नहीं आता है वर्किंग डे में, और संडे भी नहीं आता है क्योंकि सैटरडे और संडे को स्टॉक मार्केट का जो वो है वो बंद रहता है। तो ये जो सैटरडे और संडे है इसे वर्किंग डेज नहीं बताया जाता है। और बाकी जो हॉलीडेज वगैरह होता है वो भी वर्किंग डे नहीं होता है क्योंकि उस दिन भी स्टॉक मार्केट या फिर बैंक बंद रहता है, तो इसलिए यहाँ पे वर्किंग डे बताया गया है। जैसे कि मान लो आपने फ्राइडे को अपना जो विड्रॉ है उसे किया है तो आपका जो पैसा है वो नेक्स्ट डे को क्रेडिट होगा। लेकिन नेक्स्ट डे आता है सैटरडे, तो सैटरडे और संडे तो बंद रहता है स्टॉक मार्केट, तो आपका जो पैसा है वो सैटरडे या फिर संडे को आपके बैंक अकाउंट पे क्रेडिट नहीं होगा। संडे के बाद जो नेक्स्ट वर्किंग डे आता है जैसे कि मंडे, तो मंडे को आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट पे क्रेडिट होगा। और इसके नीचे आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है मैंने पहले कौन कौन सा ट्रांजेक्शन किया है वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो दिखा रहा है वो है 2023 का है ये, मतलब सितंबर महीने में मैंने 13 तारीख को एक विड्रॉ किया था जिसका अमाउंट था 2,842 रुपीज़। लेकिन इसका स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन ये जो पैसा है ये सक्सेसफुली मेरे बैंक अकाउंट पे क्रेडिट हो गया था। तो पता नहीं यहाँ पे पेंडिंग में अभी भी क्यों है स्टेटस, मेरे ख्याल से यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे पेंडिंग है। चलो कोई बात नहीं, मुझे मेरा जो पैसा था वो ऑलरेडी मिल गया है। तो विड्रॉ करने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ नीचे विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेस लिखा आ गया है, मतलब मेरा जो विड्रॉ का रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो मैं यहाँ एक बार पेज को बैक करता हूँ और फिर से इस पेज में आता हूँ।
तो यहाँ पे मेरा जो पैसा है ये यहाँ से नहीं कटा है अभी तक। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये जो पैसा है ये तो अभी तक नहीं कटा है, तो मेरे अकाउंट पे कैसे रिसीव हुआ या फिर रिसीव हुआ या फिर नहीं। तो मैं यहाँ आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो है ये थोड़ा अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। मेरा जो विड्रो का रिक्वेस्ट है वो सक्सेस हो गया है। तो फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ नीचे विड्रो पे फिर से क्लिक करता हूँ, यहाँ पेज को थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ। तो यहाँ नीचे ट्रांजेक्शन्स के सेक्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले जो दिख रहा था वो खाली ये था, मतलब इस डेट का दिख रहा था जो कि मैंने बहुत पहले एक बार विड्रो किया था, लेकिन अभी यहाँ पे अभी जो मैंने आज के दिन जो मैंने विड्रो किया है वो भी यहाँ पे दिख रहा है, जिसका अमाउंट भी आप देख सकते हैं 4,530 रुपये है, और इसके स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग दिख रहा है। और अभी वो जो पहला जो ट्रांजेक्शन था मेरा, तो पहले वहाँ पे पेंडिंग दिख रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे सेटल्ड दिख रहा है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सेटल हो गया था, मेरे बैंक अकाउंट पे पैसा रिसीव हो गया था। तो अभी इसका जो है ये अभी पेंडिंग में है, तो ये पैसा भी 1 से 2 दिन के अंदर मेरे अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा सक्सेसफुली। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कैसे आप अपने LIC ब्लू का वॉलेट का पैसा अपने बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब विड्रॉ कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। आई होप हमारे वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और किसी यूट्यूबर के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।